राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गैंग रेप के आरोपी बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की याचिका निस्तारित कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से प्रस्तावित एफआईआर को अधीनस्थ कोर्ट के समक्ष संबंधित थानाधिकारी जल्द पेश करें। हाईकोर्ट में जैन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई थी। कोर्ट ने कहा याचिका लंबित रखने का कोई कारण नहीं। एकल पीठ में जस्टिस फरजंद अली के समक्ष सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल कुमार जोशी ने कहा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोधपुर वेस्ट की ओर से दिए गए तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार मामला जांच में झूठा पाया गया है। मामले में नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट पेश की जा रही है। उन्होंने तीनों पीड़िताओं के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों की प्रतिलिपियां भी कोर्ट के समक्ष पेश की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के नतीजे में नेगेटिव अंतिम रिपोर्ट पेश की जानी है और पीड़िताओं के बयानों को देखते हुए वर्तमान याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं रहता। गिरफ्तार नहीं करने के दिए थे निर्देश। कोर्ट ने संबंधित थानाधिकारी को एफआईआर संबंधित ट्रायल कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट में जल्द से जल्द नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही जांच में यू टर्न की स्थिति में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत भी दी। याचिकाकर्ता मेवाराम जैन ने राजीव नगर पुलिस थाने में 20 दिसंबर को खुद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। पहली सुनवाई पर कोर्ट ने पूर्व विधायक जैन को जांच में शामिल होने और सहयोग करने को कहा था। इसके साथ ही पुलिस थाना राजीव नगर को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश भी दिए गए थे। बाड़मेर जिला संवाददाता लक्ष्मण चौधरी की रिपोर्ट।